न तोहू आ गई है तुमरी। रे अब तो हंस देव को भवन में से नहीं आ रही तुम तो। देखो हाँ शक्ति भाई, ये का गुंडा ही है। अबे कोनो नई बात ना है, समझोगे ना? ये सब राज काज है बे। अभी बड़की, अब तुमरी बहुरिया को लेवे के चक्कर में देखो अम्मा को भुलाई गई। अब भैया भाई शुद्ध करने के लिए इसने थोड़ा सा प्रसादी दी है और कुछ ना है। हाँ चलो अम्मा, चलो चलो आगे बढ़। बहुरिया अब दलिया में एक एक करके पैर रखिए, तनिक संभल के चलिएगा। अभी घर घर नीरा स्वर्ग हो गया है। और देख लो तुम सब भी, अरे दुल्हनिया नहीं लाए, परी लेके आए हैं। परी देखो, अरे आओ बिठाओ इनको। राम मां सही बोले थे ना, अरे अब क्या हुआ है, कहीं ले खड़े? अरे देख लेना अच्छे से, अब चले जाइए यहाँ से। अरे हमको बहुत जरूरी बात करनी है प्रतिज्ञा से। का बोले प्रतिज्ञा? बाबा प्रतिज्ञा बोला? अरे प्रतिज्ञा जी, प्रतिज्ञा जी, जी लगाए बिना तो नाम पूरा ही नहीं होता था। और आज प्रतिज्ञा, ए बाबा प्यार की आंच ठंडी हो गई का है? अरे का अम्मा तुम भी ना, अरे अब जब जोरू हो गई हमरी तो काहे जी लगाए बताइए। अरे सब प्रेमी प्रेमिका में चलता है, बीवी के आगे थोड़ी जी लगाते हैं। बताइए, अरे पूछिए भौजी से, क्या कभी शक्ति बाई ने जी लगा के बोला आपको? बताइए। अरे का, अरे हम का बोले, सुनाई नहीं दे रहा? अरे हम कहे ना हमको प्रतिज्ञा से जरूरी बात करनी, जाती का है नहीं आप लोग? अच्छा बाहर जाइए, कोई बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी दुल्हन को देखने वाली औरतों की भीड़ लगने वाली है, रात के बाद बात करना, जरूरी बात करना। आप बुरा मान जाएंगे, नहीं तो हम भी कुछ कहते। अरे नहीं नहीं, हम काहे बुरा मानेंगे, बोल दो। अरे जब इतने लोगों की सुन ली है तो तुम्हें ही बोलो, अपने गधे का जन्म छुड़ाओ, चलो बोलो। जाने दीजिए भैया जी। अरे नहीं नहीं, कह लो कह लो, जल्दी निकलो यहाँ से। अब काहे की जल्दी है, अब तो आपकी दुल्हन घर आ गई, तो धीरज रखिए भैया जी। ये लियो। अरे बात भी करी तो ऐसे ऐसे कलेजे पे चाकू गोद दिए हैं।
का चाहती का हो ये बताइए, कहाँ चाहती हो है? अरे हम बोले हमको प्रतिज्ञा से जरूरी बात करनी है, काहे नहीं करनी है, जाती काहे नहीं यहाँ से? जरा हम भी तो सुने, कहाँ जरूरी बात करनी है, किस तरीके से प्रतिज्ञा जी से बात करते थे, जरा हम भी तो सुने कि वो कौन सा तरीका था जिससे प्रतिज्ञा जी तुम्हारी दीवानी हो गई हैं। करो। अरे का अम्मा, कोमल चलेगी तो उसका जिद का शौक तुम पालोगी कब? अरे जिद कहाँ कर रहे हैं भाई, औरत सब की इतनी भीड़ आने वाली है दुल्हन का मुंह देखने के लिए, और बड़े भाग हमरे जो सुंदर बहू का मुंह दिखाने का भाग मिला। ठीक है बोल देते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप सब अपने कान बंद करिए पहले। अच्छा काहे कान बंद करें, हम नहीं करेंगे। ठीक है फिर हम भी नहीं बोलते, जाइए। लो भाई बंद कर लिए। आप सबको का लिख के दें, सब बंद करिए अपने कान। हाँ प्रतिज्ञा, अरे आज हम आपको कैसे बताएं, आज हम जीत पे इतना खुश हैं, इतना खुश हैं, ये चाहते हैं आपको गोदी उठाए के फिर से सात फेरे लगवाए, लेकिन क्या करें, ये कान बंद करवाए दी, आंखें थोड़ी बंद करवाई, देखो कैसे गिद्ध के जैसे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सुहागरात के समय लगा लेंगे चक्कर। बटन जैसी आंखें नीचे कर, समझी? ये सब आई है तुमको देखने के लिए, तुमको नहीं देखना है सबको। अरे नाक तो ठीक ठाक ही है, होंठ तो अच्छे पतले पतले हैं, रंग भी साफ है लड़की का। अरे बहन जी, अगर जात पात को किनारे रख देना तो अपना बाबा सुंदर औरत लेके आया है यहाँ, वरना हमारी पहली बहू, अरे जब उजाले में जाती है तो अंधियारा हो जाता है, सही कह रही। भाग्यशाली हैं आप ठाकुराइन, बेटा बेटी को एक साथ निपटा दिए, लेकिन बेटी की शादी काहे लिए वहां किए? आपके मुकाबले में तो वो लोग कुछ नहीं है। अरे आपकी बेटी कोमल, अरे बाप रे बाप, आंधी और तूफान है, वहां कैसे रहेगी? अब का करें, भाग का सब खेल है, वही ब्याह लिखा हुआ था उसका, अब तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हमरी कोमल को सद्बुद्धि दे। हाँ भगवान सब अच्छा करेगा।